दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि IDFC फर्स्ट बैंक अकाउंट कैसे खोले। बिल्कुल फ्री में आप लोग IDFC में बैंक अकाउंट खोल पाएंगे। जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ऑनलाइन कैसे ओपन कर सकते हैं उसके लिए मैं आप लोग को डायरेक्ट लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे आप लोग लिंक में क्लिक करते हो उसके बाद आप लोग के सामने ऐसा कुछ इंटरफेस शो करेगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हो ओपन सेविंग बैंक अकाउंट ऐसा करके ऑप्शन शो करेगा। फ्रेंड्स आप लोग को पहले बता देता हूँ इस एप्लीकेशन में इस बैंक में आप लोग को फ्री में ATM कार्ड मिलेगा, डेबिट कार्ड मिलेगा और प्लस फ्री में पासबुक आपको मिलने वाला है इस बैंक का। यदि आप लोग अकाउंट खोलते हैं तो सबसे पहले आप लोग के सामने ऐसा कुछ फॉर्म ओपन होकर चला आएगा। इसे हमें फिलअप करना होगा यदि आप लोग को सेविंग अकाउंट खोलना है जीरो बैलेंस का IDFC फर्स्ट बैंक अकाउंट। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितना इंटरेस्ट मिलने वाला, 7% इंटरेस्ट मिलेगा पर एनम मतलब ईयरली का 7% का इंटरेस्ट आपको मिल सकता है। ये बहुत ही अच्छा होता है यदि आप लोग सेविंग बैंक अकाउंट का हिसाब से सोचते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ से डिटेल्स फिल करना पड़ेगा, अपने मोबाइल नंबर वही डालना है आप लोग को जो आप लोग का पास अभी है जो एक्टिवेट है, ठीक है, जिसमें OTP आएगा। और नीचे में आप लोग को ईमेल ID डालना पड़ेगा, ईमेल एड्रेस सही से ही डाल देना। उसके बाद नीचे आप लोग को पैन कार्ड नंबर डालना है, फिर नीचे आप लोग को 12-डिजिट आधार कार्ड नंबर डाल देना है, ठीक है। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आप लोग का यहाँ से क्लिक हेयर गेट OTP ऐसा ऑप्शन शो करना है, इसमें आपको क्लिक करना पड़ेगा। और नीचे में जो है ऑक्यूपेशन डिटेल्स हो गया, सोर्स ऑफ इनकम हो गया, ये सब हम फिल करेंगे। सबसे पहले आप तो हम यहाँ से आधार कार्ड को वेरीफाई करना पड़ेगा, उसके लिए हम आधार कार्ड नंबर डाल के और गेट OTP में क्लिक करेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाल कलर का बटन होगा उसमें सब्सक्राइब में क्लिक करके बेल आइकन को दबा के रख देना, ठीक है। तो फ्रेंड्स मेरे लिए मोटिवेशन मिलता है आप लोग के लिए अच्छे से अच्छा वीडियोस लेके आते रहूं। यहाँ से फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग को मैंने जो डिटेल्स आप लोग को फिल करने बोला था वैसे सारा डिटेल्स फिल कर लेना, उसके बाद आधार कार्ड नंबर डाल देना, फिर यहाँ से गेट OTP का ऑप्शन शो करेगा उसमें आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। क्लिक करते यहाँ से क्या होगा, जो भी मोबाइल नंबर आप लोग डाले थे मतलब जो भी मोबाइल नंबर आप लोग का आधार कार्ड से लिंक है, ठीक है, और वो लिंक मोबाइल नंबर एक्टिवेट होना चाहिए तभी OTP आएगा। और जो भी OTP आप लोग के पास आता है वो OTP को आपको यहाँ से फिल करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी OTP आप लोग का मोबाइल नंबर पे आ जाएगा उसे सही से फिल कर देना, उसके बाद नीचे में वेरीफाई आधार का ऑप्शन शो करेगा उसमें आपको क्लिक कर देना है। टैप करने के बाद ही आप लोग के सामने ऐसा कुछ इंटरफेस शो करेगा और कुछ सेकंड के लिए आपको वेट कर लेना है, यहाँ से आपका आधार कार्ड वेरीफाई हो जाएगा। तो चलो मैं यहाँ से कुछ सेकंड के लिए वेट कर लेता हूँ। तो यहाँ से आप लोग देख लो मेरा आधार कार्ड वेरीफाई हो चुका, उसके बाद नीचे में मेरा एड्रेस डिटेल्स आ चुका, जो भी मेरा आधार कार्ड से लिंक है, मेरा एड्रेस प्रूफ है ना आधार कार्ड, तो उसमें जो भी मेरा एड्रेस लिखा हुआ है तो सारा एड्रेस यहाँ पर चला आया। यहाँ से आप लोग एक बार चेक कर सकते, वेरीफाई कर सकते, फिर उसके बाद आप लोग को नीचे आना पड़ेगा, ठीक है। वेरीफाई करने के बाद नीचे आने के बाद यहाँ से आप लोग देख लो प्रोफेशनल एंड पर्सनल अकाउंट डिटेल्स, इसके लिए आप लोग को सिंपली सैलरीड पर्सन है या फिर आप लोग ऑक्यूपेशन क्या करते हैं, आप लोग क्या काम करते हैं, स्टूडेंट है, रिटायर पर्सन है, होम मेकर है। मैं यहाँ से डाल देता हूँ सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल, यदि आप लोग जो भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद नीचे में आप लोग को आना है प्रोफेशनल फीस, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख लो सोर्स ऑफ इनकम, आप लोग कहाँ से पैसा कमाते, तो यहाँ से मैं डालूंगा सेविंग से, मैं सेविंग से पैसा कमाता हूँ। आप लोग जहीं से भी पैसा कमाते हो यहाँ से आप लोग डाल सकते हो। उसके बाद नीचे में आप लोग को मिलेगा ग्रोस एनुअल इनकम इन रुपीज़, आप लोग एनुअल इनकम कितना करते हो, साल का कितना कमा लेते हो आप लोग, तो वही यहाँ से आप लोग को सही से डालना पड़ेगा। मैं यहाँ से कोई भी एक अमाउंट डाल देता हूँ, आप लोग का जितना भी अमाउंट होगा वही हिसाब से यहाँ पे डाल देना। जैसे कि मैं यहाँ पे 2 लाख डालना चाहूँगा तो मैं यहाँ से डाल देता हूँ। यदि आप लोग का इनकम यहाँ से 4 लाख 5 लाख साल का इनकम है तो वहाँ से आप लोग डाल सकते हो, या आप लोग का ऊपर मैटर करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से मैं डाल देता हूँ, ये तो 20 लाख हो गया, 10 यहाँ से कट कर देता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से आप लोग देख लो 2 लाख हो चुका। उसके बाद नीचे में आना है आप लोग को अपना मदर्स का नाम डाल देना है, ठीक है। मदर्स का नाम आप लोग यहाँ से डाल सकते हो। उसके बाद आप लोग सिंपली नीचे आ जाना है सिलेक्ट योर प्रोडक्ट। यहाँ से फ्रेंड्स आप लोग सही से वीडियो को देखना है, थोड़ा भी स्किप मत करना यदि आप लोग चाहते हो, यदि आप लोग चाहते हो कि सही से अकाउंट खुल जाए जीरो बैलेंस अकाउंट विदाउट एनी फीस, आप लोग को कहीं देने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप लोग को फ्री में मिल जाएगा डेबिट कार्ड प्लस आपको पासबुक भी डिलीवर हो जाएगा, जो भी एड्रेस आप लोग कम्युनिकेशन एड्रेस डालोगे सब चीज़ आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को सही से आप लोग को देखना पड़ेगा बिना स्किप किए। फ्रेंड्स यहाँ से देख लो, उसके नेक्स्ट ऑप्शन आ जाते हैं, यहाँ से सिलेक्ट योर प्रोडक्ट 25,000 सेविंग अकाउंट और साइड वाला है 10,000 सेविंग अकाउंट, क्या डिटेल्स है इसमें। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये लोग पैसा मांग रहे हैं लेकिन आप लोग को पैसा देने का जरूरत नहीं है, कैसे नहीं आगे मैं बताऊंगा। 2023 का अपडेट आ चुका, मैं यहाँ से 10,000 सेविंग अकाउंट में सिलेक्ट करूँगा। यहाँ से थोड़ा बहुत बेनिफिट क्या होता है कि आप लोग यदि 25,000 सेविंग अकाउंट वाला खोलते हैं उसमें क्या होगा कि आप लोग ज़्यादा अमाउंट ट्रांजेक्शन कर पाएंगे और ज़्यादा विड्रॉ कर पाएंगे, तो वैसे ही होता है। तो ये करंट अकाउंट जिसे खोलना है तो वो खोल सकता है वो वाला, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा लिमिट होता है। तो आप लोग को यहाँ से पैसा देने की जरूरत नहीं है, नीचे आ जाना है। उसके बाद यहाँ से टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और प्रोसीड टू ओपन अकाउंट इसमें क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप लोग प्रोसीड टू ओपन अकाउंट में क्लिक करते हैं उसके बाद आप लोग के सामने ऐसे इंटरफेस शो करेगा, कांग्रेचुलेशन योर सेविंग अकाउंट हैज़ बीन ओपेंड। ऊपर में आप लोग के सामने मैसेज भी शो कर देगा, कांग्रेचुलेशन योर सेविंग अकाउंट हैज़ बीन ओपेंड, ठीक है। उसके बाद नीचे में हमें एक वीडियो KYC करना पड़ेगा तभी जाके आप लोग को ATM कार्ड मिलेगा। उसके लिए आप लोग को नीचे में देख लो स्टार्ट वीडियो KYC नाउ इसका ऑप्शन शो कर रहा है ना, आपको उसमें क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे लॉक का ऑप्शन है ना उसका नीचे में आप देख लो
स्टार्ट वीडियो केवाईसी नाउ, इसमें आपको क्लिक करते ही ऐसा कुछ इंटरफेस शो करेगा। सबसे पहले आप लोग का मोबाइल से परमिशंस मांगा जाएगा, लोकेशन मांगा जाएगा और कैमरा का परमिशंस मांगा जाएगा। उसके बाद आप लोग का यहाँ से माइक्रोफोन का परमिशन मांगा जाएगा, क्योंकि यहाँ से वीडियो केवाईसी होता है, इस वजह से हमारा इस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि हमारा फेस देखा जाएगा वहाँ से, फिर हमारा वॉइस सुना जाएगा और लोकेशन कहाँ से हम इस हमारा वीडियो केवाईसी चल रहा है, तो वो सारा चीज़ यहाँ पे शो कर देगा। इसलिए आप लोग को यहाँ से अलाउ परमिशंस में क्लिक करना पड़ेगा, नीचे में जो बटन है आपको उसमें क्लिक कर देना। फ्रेंड्स, यहाँ से आप लोग को बहुत सारा प्रॉब्लम आता है यदि अकाउंट खोलने में, कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो नीचे कमेंट करके मुझे बता दो, मैं आप लोग के लिए हेल्प कर दूंगा। यहाँ से देख लो, जैसा कि वीडियो केवाईसी हो रहा है, यहाँ से आप लोग को अपना फेस को दिखाना पड़ेगा। ठीक है, और एक टू आप लोग को सेल्फी लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ से आप लोग का पास क्या होगा कि एक एजेंट आएगा। ठीक है, जो भी IDFC बैंक अकाउंट का एजेंट होगा वो आप लोग को वीडियो कॉल करेगा। यहाँ से आप लोग का कुछ सवाल पूछेगा, जैसे कि हो गया आप लोग का आधार कार्ड का नंबर भी पूछ सकता है, और आप लोग का आधार कार्ड शो करने बोलेगा, पैन कार्ड शो करने बोलेगा। तो ये सारा चीज़ आप लोग डिटेल्स अपने पास लेके रख लेना। जैसे आप लोग का वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा तो फ्रेंड्स, यहाँ से आप लोग देख लो कि योर अकाउंट हिज बिन ओपन हो चुका, पूरा कंप्लीटली हमारा केवाईसी हो चुका। अब यहाँ से हम लोग पेमेंट भी कर पाएंगे विदाउट एनी डाउट, हम लोग यहाँ से इजीली पेमेंट कर सकते हैं और पेमेंट को रिसीव भी कर सकते हैं। आप लोग का अकाउंट नंबर और बैंक अकाउंट सब चीज़ आ जाएगा जैसे आप लोग का केवाईसी कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आप लोग का मन में बहुत सारा सवाल आता है कि कैसे हम केवाईसी करें, तो मैंने सब चीज़ बता दिया, कैसे हम बैंक अकाउंट को खोले, सारी चीज़ मैंने डिस्कस करके आपको बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आप लोग में से बहुत लोग ऐसा भी है जो IDFC में अकाउंट खोल नहीं पा रहे, तो फ्रेंड्स आप लोग कोटक महिंद्रा बैंक का ट्राई करो, क्योंकि वो बैंक में क्या होगा कि आप लोग को जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट खोलेगा। सेम यही बात है कि उसमें आप लोग को कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, आप लोग को ATM पासबुक सब फ्री में मिलेगा। मैं खुद यूज़ करता हूँ कोटक महिंद्रा बैंक, इसका ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना के रखा जीरो बैलेंस का, कोटक महिंद्रा बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट कैसे ओपन करें। ठीक है, तो उसका डिटेल वीडियो मैंने बना के रखा, लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके जरूर से देख लेना, वहाँ से आप लोग को बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोग को फ्री में 10 रुपये से लेकर 100 रुपये चाहिए, इंस्टेंट आप लोग के पास मिल जाएगा बैंक अकाउंट में, तो आप लोग यहाँ से नवी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप लोग देख लो, इस एप्लीकेशन में आप लोग इन्वेस्टमेंट प्लस आप लोग डिजिटल गोल्ड दोनों खरीद सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग को कैसे करना है, सबसे पहले लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नवी एप्लीकेशन का इंस्टॉल कर लेना एप्लीकेशन को। उसके बाद आप लोग को 1 रुपये का, जस्ट 1 रुपये का डिजिटल गोल्ड खरीदना है। जैसे आप लोग डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं, आप लोग को 100 रुपये का यहाँ से कैशबैक मिलेगा, डायरेक्टली आपका बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।